हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। हम कर रहे हैं आजकल चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसकी मैं 2 इंट्रोडक्टरी वीडियोस पहले ही अपलोड कर चुकी हूं। तो आज मैं आपको बताती हूं कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, और उसे फिर एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको बताती हूं, एंड आफ्टर दैट हम अपने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं पहले ही आपको ये चीज़ समझा चुकी हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमें एक रिज़ल्ट प्रूव करने में काम आएगा, जो रिज़ल्ट नेचुरल नंबर्स को इन्वॉल्व करता हो, ठीक है, और जिसे हम कंजेक्चर या एक स्टेटमेंट बोल देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा कि लेट पी एन बी अ स्टेटमेंट, ठीक है भाई। पी एन हमने उसको नाम दिया था, लास्ट लेक्चर में भी मैं एक एग्जांपल आपको करवा चुकी हूँ। तो जो भी स्टेटमेंट आपको दी जाती है जिसे हमने प्रूव करना है, उसे हम पी ऑफ एन मान लेते हैं। पी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से कर रहे हैं, एन क्योंकि वो स्टेटमेंट नेचुरल नंबर्स के लिए है, तो उस स्टेटमेंट को हम पी एन ले लेते हैं, इन्वॉल्विंग नेचुरल नंबर एन, कि उस स्टेटमेंट में नेचुरल नंबर एन आ रहा है, इसलिए हमने उसे पी एन नाम दे दिया। और किस तरह से है वो स्टेटमेंट, अगर वो स्टेटमेंट ध्यान दें, नंबर वन, पी वन इज़ ट्रू, यानी कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो अगर n इज इक्वल टू 1 रखने के बाद ट्रू हो जाती है, क्लियर। मीन्स देखो, मैंने टाइल का बताया था आपको कि बहुत सारी टाइल्स एक उसमें एक दूसरे से सट कर लगी हुई हैं, बहुत थिन टाइल्स हैं, और मैंने कार्ड का भी आपको बताया था। तो अगर हम पहली टाइल को गिराएंगे ऐसे आगे की तरफ, तो दूसरी टाइल भी गिरेगी, तीसरी भी। तो फर्स्ट टाइल का गिरना बहुत ज़रूरी है। अगर फर्स्ट टाइल ही नहीं गिरेगी, उसको ही हम आगे से ऐसे स्पोर्ट लगा देंगे, तो पीछे की टाइल्स तो गिर ही नहीं सकती, क्लियर। तो फर्स्ट के लिए रिजल्ट का ट्रू होना बहुत ज़रूरी है, पहले नेचुरल नंबर के लिए, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड क्या कहता है कि इस बात को समझना है, पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू। हमारा रिजल्ट जब भी किसी के लिए ट्रू है, और उसकी वजह से हमारा रिजल्ट के प्लस वन के लिए भी ट्रू हो जाता है। इस बात को टाइल से कैसे समझे, जब भी हमारी के नंबर की टाइल अपने आप गिर जाती है और उसके कारण के प्लस वन नंबर की टाइल भी गिर जाए, तो हम मान के चलते हैं कि आगे सारी टाइल्स ऐसे ही गिरती चली जाएंगी। तो अगर पी ऑफ के, ये रिजल्ट उसको भी मैंने एग्जांपल वैसे लिख दिया है, कोई भी रिजल्ट हमारा अगर पी ऑफ के लिए, मतलब पी ऑफ एन अगर किसी के नंबर के लिए, के नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, और इसकी वजह से नेक्स्ट नेचुरल नंबर के लिए ट्रू आ जाता है, ये यहाँ फोकस करना भाई, पी ऑफ के इज ट्रू इम्प्लाइज पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू, इसे तो हम ट्रू लेके चल रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस, इफ पी के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू, वेयर के इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब वो एक नेचुरल नंबर है, तो हम कहेंगे कि पी एन यानी कि जो हमारी स्टेटमेंट है, दैट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो एक्चुअल में तो इस क्वेश्चन में 2 ही स्टेप हैं, लेकिन मैं इसे 3 पार्ट्स में कराऊंगी, क्योंकि हमारे बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़ा डाउट रहता है, थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो वो 3 पार्ट्स में करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वो 3 पार्ट्स मैं अपने लास्ट लेक्चर में बता भी चुकी हूँ। पहले पार्ट में सबसे पहले तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, जो भी क्वेश्चन हमें प्रूव करना दिया होगा, जो भी स्टेटमेंट हमें ट्रू प्रूव करनी होगी, उसे हम पी एन नाम दे देंगे, ठीक है। फिर हम उसमें एन की जगह 1 रखकर चेक करेंगे कि बोथ साइड्स इक्वल आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। फिर सेकंड स्टेप में मैं मानूंगी कि पी के ट्रू है, सपोज करूंगी, और थर्ड स्टेप में मैं प्रूव करूंगी कि बिकॉज ऑफ पी के, पी के प्लस 1 भी ट्रू हो गया है, देन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो हमारा रिजल्ट है वो हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाएगा। जो बच्चे इस बात को बार बार भूल जाए, उन्हें ये ध्यान रखना है, बहुत सारी टाइल्स हमारी लगी हुई हैं, बहुत सारे ताश के पत्ते, मैं वो लिंक डालना भूल गई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बोला तो था आपको, आज मैं पूरा कोशिश करूंगी कि इस लेक्चर में वो लिंक अपलोड कर दूं, जहां वो ताश के पत्ते ऐसे घूमते हैं और गिरते हैं, अगर मुझे मिलता है ऐसा कोई लिंक। तो आपने ये ध्यान रखना कि ताश के पत्तों को या छोटे छोटे कार्ड्स को अरेंज करके एक शेप बना दी फर्श पर, ठीक है, आप देखना यूट्यूब पर जरूर मिलेगा। तो अगर फर्स्ट कार्ड को हम ऐसे हल्का सा पुश करते हैं, तो ऐसे वो सीक्वेंस में सारे कार्ड्स गिरते चले जाते हैं।
जाएंगे। क्लियर? तो फर्स्ट कार्ड का तो गिरना बहुत जरूरी है, तभी आगे गिरेंगे, इसलिए P1 का ट्रू होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे मेन दिक्कत आती है बच्चों को यहाँ पे कि ये क्या बला है। तो ये मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हम हर नेचुरल नंबर के लिए तो भाई प्रूव कर नहीं सकते, ठीक है। और वो टाइल वाला कॉन्सेप्ट अगर हम लेके चलते हैं, कार्ड वाला कॉन्सेप्ट अगर हम लेकर चलते हैं, मैंने आपको बुक पे भी बताया था कि भाई ये अपनी बुक है तो सारे पेज, अब देखो यहाँ तो बुक सिली हुई है, देखो ये भी देखो ये अपने आप गिर रहा है, ये अपने आप गिर रहा है, ये इस तरफ आ रहे हैं क्योंकि मैं प्रॉपरली पकड़ नहीं पा रही हूँ। अगर मैं दोनों हाथों से पकड़ूंगी तो आपको समझा, ये देखो ये गिरती जा रही है, आप खुद देख सकते हो कि ये देखो अपने आप मैंने ऐसे पकड़ा, ये या तो इधर या इधर गिर रही है ना। इसको कैसे समझो, अगर पहला पेज गिरता है तो ये गिरेंगे, चलो कुछ पेजेस गिर गए, व्हाट अबाउट द लास्ट वन। तो ये क्या कहता है कि अगर बीच में से कोई के नंबर का पेज गिर गया तो उसकी वजह से आगे के भी सारे पेजेस गिरते चले जाएं। तो हम मान लेंगे कि इस प्रकार जितने पेज लगे हुए हैं वो सब ने गिरना ही गिरना है। तो अगर कोई रिजल्ट हमने नेचुरल नंबर्स के लिए प्रूव करना है और वो के लिए ट्रू होने की वजह से K+1 के लिए भी ट्रू हो जाता है, तो K+1 की वजह से वो K+2 के लिए ट्रू हो जाएगा, K+2 की वजह से वो K+3 के लिए ट्रू हो जाएगा, और आगे आगे हर नेचुरल नंबर के लिए वो ट्रू होता चला जाएगा। तो केवल दो स्टेप में ही हमारी बात यहाँ ख़त्म हो जाएगी कि हमारा रिजल्ट हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। तो इस बात को मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको बताती हूँ। ये एग्जांपल है तो NCERT से, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, लेकिन भाई पर्टिकुलर एग्जांपल नंबर मेंशन नहीं है। यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन शो दैट 1+2+3+4+n इज इक्वल टू n(n+1/2)। ये आपको एक शॉर्ट ट्रिक दी गई है, एक फॉर्मूला दिया गया है कि 1 से लेकर n तक के नेचुरल नंबर्स का अगर हमें डायरेक्ट सम निकालना है तो इन सब को ऐड करने की बजाय हम सिंपली छोटे से मेथड से भी सम फाइंड कर सकते हैं। जैसे इधर बताऊंगी मैं, ये मान लो मुझे चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक का सम चाहिए। अब भाई नियम तो क्या कहता है, भाई अपना जोड़े जाओ बैठे ना, 1+2+3+3, 6+4, बहुत टाइम लगेगा। और ये फॉर्मूला क्या कहता है, एक ही सेकंड में कि जहाँ तक का सम निकालना है वो नंबर उसकी मल्टीप्लिकेशन में उससे अगला नंबर डिवाइडेड बाय 2, तो 10 से अगला नंबर बाय 2, 2, 5 या 10, हमारा सम आ गया 55। आप अपना मैथ लगा के चेक कर लेना, ये 100% 55 आएगा, ठीक है। अब यही जोड़ अगर मैंने अपना 100 तक के नेचुरल लगातार विदाउट एनी ब्रेक 100 तक के नेचुरल नंबर्स का, भाई मैं आपको कह दूँ कि जोड़ निकालो, 1 से 100 तक का जोड़ बताओ। भाई किसी ने कह दिया भाई 1 से 100 तक का जोड़ बताओ, ठीक है, तो बिल्कुल आसान है हमारा। हमने क्या करना है, 100 × 101/2, 50, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 5050 आएगा। बन गया एक लॉजिक हमारे पास, मतलब एक सिंपल सी ट्रिक बन गई है हमारे पास। इस ट्रिक को हम बहुत एडवांस बार बार यूज करेंगे आगे जाकर अपने मैथ्स में, लेकिन पहले हम इसे समझते हैं कि ये ट्रू है भी या नहीं, ठीक है। तो इसे हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से समझेंगे कि ये ट्रू है या नहीं है। तो अब हम सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि जिस भी रिजल्ट को हमने प्रूव करना है उस पूरे रिजल्ट को हमने PN नाम देकर ऐसे दो डॉट लगा दिए कि PN का मतलब है 1+2+3+4+5, 6, 7, 8 up to n तक का सम हम इस फॉर्मूले से इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखो वैसे तो ये एक AP बन रही है, कितने कितने का फर्क चल रहा है, एक एक का फर्क चल रहा है। तो आप AP से अपना 10th क्लास में 5th चैप्टर जिसमें आप AP पढ़ चुके हो, तो AP से सम ऑफ n टर्म्स आप निकाल सकते हैं, लेकिन वो यहीं लगेगा, आगे भी बहुत फॉर्मूले आएंगे उनमें AP काम नहीं करेगा। तो ये आपको मैं प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन से बताती हूँ। पहला स्टेप हमने क्या लेना है, हमने दिखाना है कि P1 ट्रू है। तो अगर आप इसे स्टेप वाइज कर लेते हैं तो और भी बढ़िया है, ना करें तो आप डायरेक्ट करेंगे तो भी कोई आपके मार्क्स कटते नहीं हैं। तो दोनों तरफ हमने यहाँ 1 पुट करना है, पुट n इज इक्वल टू 1 इन PN, PN में 1 पुट करना है दोनों साइड 1 पुट करना है। पहले तो लेफ्ट में आ जाओ, लेफ्ट में 1 पुट करने का मतलब यहाँ 1 पुट करना है। अब आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ 1 पुट करना है, फिर इन सब का क्या, 1 पुट करने का मतलब ओनली 1 टर्म,
ठीक है, इसको हम इन सिंपल लैंग्वेज देखो, इसे हम ऐसे भी लिख देते हैं, सिग्मा ऑफ एन, यानी एन तक की टर्म्स का सिग्मा, एक से लेकर एन तक की टर्म्स का सिग्मा। तो एन की जगह एक रखने का मतलब है लेफ्ट में तो आ जाएगा वन, ठीक है भाई, तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी हो जाती है वन। एंड व्हाट अबाउट राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड आपकी क्या है, एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, इसमें जब आप वन रखोगे तो वन इंटू वन प्लस वन बाय टू, भाई ये हो जाएगा वन इंटू टू बाय टू, कट कर कितना आ गया वन, लेफ्ट साइड भी वन आ गई, राइट साइड भी वन आ गई। हम इसी क्वेश्चन को शॉर्ट में भी कर सकते हैं, दोनों साइड्स में हम एक साथ पुट कर सकते हैं, ध्यान से देखना, लेफ्ट में तो मैंने रखा वन और राइट में भी मैंने रखा वन इंटू वन प्लस वन बाय टू, वन इज इक्वल टू वन इंटू टू बाय टू, तो ये आ गया वन इज इक्वल टू वन, यानी कि लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ गई। भाई इसका मतलब क्या है, पी वन का मतलब है कि एक नेचुरल नंबर का जोड़ एक ही आएगा, भाई एक नेचुरल नंबर है वन है, तो वन को तो अपने आप अकेला है तो वो वन ही रहेगा, और राइट साइड से भी हमारा आंसर वन आ रहा है, तो ये फॉर्मूला वेरीफाई हो गया कि ये फॉर्मूला n इज इक्वल टू वन के लिए ट्रू है। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं p1 इज ट्रू। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक मोस्टली बच्चे आराम से कर लेते हैं, सेकंड स्टेप भी मोस्टली बच्चे बहुत आराम से कर लेते हैं। सेकंड स्टेप मैंने लास्ट वीडियो में भी एक एग्जांपल बताया था, वहाँ भी कहा था, अब फिर बता रही हूँ, सपोज कर रहे हैं हम कि P ऑफ K इज ट्रू, हम मान के चल रहे हैं कि K नंबर की टाइल गिर गई अपने आप, यहाँ हम मान के चल रहे हैं कि हमारा रिजल्ट n इज इक्वल टू k के लिए प्रूव है, तो उसकी वजह से अगर अगले नेचुरल नंबर के लिए भी प्रूव हो जाता है तो उसकी वजह से अगले के लिए और उसकी वजह से अगले के लिए, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा n तक। तो हमने मान लिया p के ट्रू है, अब ऐसे लिखने से काम नहीं चलेगा, ये ट्रू है तो वो क्या रिजल्ट बना वो यहाँ मेंशन करना है, तो p के इस पूरे रिजल्ट में n की जगह k रखकर उस रिजल्ट को आप लिख दो, यानी कि क्या मतलब हुआ कि अगर हम एक से लेकर k तक के नेचुरल नंबर्स को जोड़ते हैं तो हमारा आंसर इस फॉर्मूले से भी ईजीली आ सकता है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n की जगह रखा k इज इक्वल टू k इंटू के प्लस 1 बाय टू, और इसे मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है यहाँ तक आपको, फर्स्ट स्टेप क्या था, देखो यहाँ से p1 इज ट्रू मैंने प्रूव कर दिया, मैंने अब यहाँ ध्यान देना है कि pk इज ट्रू इम्प्लाइज pk प्लस 1 इज ट्रू, pk इज ट्रू का मतलब हम मान के चल रहे हैं कि पी एन जो है हमारा जो ये फॉर्मूला है, जो ये आइडेंटिटी है, ये हमारी एन इज इक्वल टू के लिए ट्रू है, और इसकी वजह से अगर ये ट्रू आ जाता है तो हमारा रिजल्ट हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। तो इसकी वजह से का मतलब इस रिजल्ट को हमने हर हालत में यूज़ करना है अगले रिजल्ट को प्रूव करने में। तो अब मैं इसको यहाँ से थोड़ा रब कर देती हूँ, और ये क्वेश्चन अब मैं आपको यहाँ साथ साथ बता रही हूँ, सेकंड स्टेप हो चुका है अब हमारा, अब हम चलते हैं भाई अपने स्टेप नंबर 3 पर। मैं बहुत डिटेल में लिखने की कोशिश कर रही हूँ, दो चार क्वेश्चन, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब हम क्या प्रूव करेंगे कि वी विल नाउ प्रूव दैट पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू। बहुत ध्यान से समझ रहे हैं अभी बात को, अब हम प्रूव करेंगे कि पी ऑफ के प्लस वन भी ट्रू है। तो पहले आप यहाँ पी ऑफ के प्लस वन को लिख लो, मैं ये सजेस्ट करती हूँ, जो मेरा तरीका है वो बता रही हूँ मैं, पी ऑफ के प्लस वन लिख लो। तो पी ऑफ के प्लस वन कैसे लिखोगे, जहाँ जहाँ इस फॉर्मूले में n है वहाँ वहाँ k प्लस वन लगा देना, ये जो फॉर्मूला है इसमें जहाँ जहाँ n है, तो यहाँ n था मैंने k प्लस वन लगाया, अब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और आखिर में n की जगह क्या आ जाएगा, k प्लस वन, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और आखिर में आ गया k प्लस वन, ध्यान दें इज इक्वल टू एन की जगह लगाया के प्लस वन,
फिर इस एन की जगह के प्लस वन, इसकी जगह और एक वन ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा के प्लस वन बाय टू। क्लियर? अगर हमारा ये आंसर इसके इक्वल आ जाता है इसकी हेल्प से, तो हमारा रिजल्ट हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाएगा। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ आए। हमने इस फॉर्मूले को, जिसको हमने प्रूव करना था, पी एन नाम दिया, इसको हमने एन इज इक्वल टू वन के लिए ट्रू प्रूव करना है, तो हमने बोथ साइड्स में वन रख दिया, इधर भी वन रखा, इधर भी हमारी बोथ साइड्स इक्वल आ गई और आ जाएंगी। तो हमने लिख दिया पी वन इज ट्रू। फिर मैंने कहा कि सपोज पी ऑफ के इज ट्रू, सपोज कर लिया, और उस रिजल्ट को यहाँ लिख कर उसको भी मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर वन। गॉट इट? अब मैं आगे बढ़ूं कि अब हम प्रूव करेंगे कि पी के वन प्लस वन ट्रू है। नाउ वी विल नाउ प्रूव, ध्यान देना। तो पी के प्लस वन को लिख लो कि लेफ्ट साइड ये है और राइट साइड ये है। ठीक है, अब हमें ये दिखाना है कि भाई ये लेफ्ट साइड इस राइट साइड के इक्वल अगर आ जाती है यूजिंग दिस रिजल्ट, तो हमारा रिजल्ट हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाएगा। तो अब आप क्या करो, इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पिक कर लो। नाउ लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बड़े ध्यान से देखना भाई, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर और लास्ट टर्म है आपकी के प्लस वन। क्लियर? अब आपको इसकी ज़रूरत है, इसको यूज़ करना है। कैसे यूज़ करें? अब यहाँ थोड़ा सा आपको मैथ्स आना चाहिए। कैसे? देखो, ये नेचुरल नंबर्स का सम चल रहा है लगातार, आप थोड़ा सा ध्यान दो। पीछे से अगर मैं उल्टा चलूँ तो चार से पहले एक कम, तीन तो तीन से पहले एक कम, दो तो दो से पहले एक कम, एक आ रहा है। तो अगर ये के प्लस वन है तो इससे एक पहले के आएगा, इससे एक पहले के आएगा। तो मैं इसी को कैसे लिख दूं, ध्यान से देखें, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर और इस लास्ट टर्म से जस्ट पहले मैंने के लिखा और फिर ये मैंने लिखा के प्लस वन, क्योंकि ये तो एक से लेकर के प्लस वन तक की सारी टर्म्स हैं। ये एक से लेकर के प्लस वन तक की सारी टर्म्स है। मान लो मैं कह दूं ये एक से लेकर और भाई 500 तक की सारी टर्म्स है, तो भैया 500 से पहले 499 तो आएगा, वो पहले हमने यहाँ दिखाया नहीं था, अब मैंने उसको यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है, एक से लेकर के प्लस वन तक था, अगले स्टेप में मैंने के प्लस वन से पहले के दिखा दिया। अब आप थोड़ा ध्यान दें कि जो इतना सम है, इतना सम हम यहाँ पर ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं फ्रॉम वन। बार बार मैं कह रही हूँ कि हमने इसका यूज बहुत ज़रूरी करना है, इसके बिना तो हमारा रिजल्ट प्रूव होगा ही नहीं, क्योंकि जब के नंबर की टाइल गिरेगी तो उसकी वजह से दूसरी टाइल गिरेगी। क्लियर? तो के लिए अगर ट्रू है तो ही आगे के लिए ट्रू होगा। तो हम यहाँ अब क्या कर देते हैं, यूजिंग इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, इक्वेशन नंबर वन क्या है कि एक से लेके के तक का सम तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, एक से के तक का सम हम निकाल सकते हैं। तो इतना सम तो हो गया के इंटू के प्लस वन बाय टू, इतना, और ये अलग रह गया तो ये हो गया प्लस के प्लस वन। क्लियर? इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन लगा दो। अब मैं यहाँ आपको सजेस्ट करूँगी कि एलसीएम नहीं लेना है आपने। मैं एक बार फिर रिवाइज कर रही हूँ, थोड़ा सा टाइम हमें लगेगा इस चैप्टर को करने में, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स को ये चैप्टर मुश्किल लगता है। हमने रिजल्ट को पी एन नाम दे दिया, दोनों तरफ वन रख दिया, पी के हमने ट्रू प्रूव करना है तो उसको हमने लिख दिया कि वो क्या बनेगा, क्या बनेगा, और पी के प्लस वन को प्रूव करना है तो उसको भी लिख दिया कि इसका आंसर इसके इक्वल आना चाहिए। अब इसका यूज यहाँ करना आपने सीखना है, मेन बात ये है। ज़्यादातर बच्चे फर्स्ट स्टेप कर लेते हैं, सेकेंड कर लेते हैं, थर्ड को भी यहाँ तक कर लेते हैं, आगे लास्ट में उन्हें प्रूव करने में दिक्कत आती है। तो अब आपको ये दिखाना है कि एक से के प्लस वन तक का सम भी हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कि के प्लस वन, के प्लस वन से अगली टर्म डिवाइडेड बाय टू। तो मैंने लेफ्ट साइड ली, लेफ्ट साइड में
इसका यूज करना है और ये तो केवल के तक का जोड़ दिखा रहा है, इसमें के तो कहीं है ही नहीं, है हमें दिख नहीं रहा, के है इसमें, कहाँ है, के प्लस वन से जस्ट पहले के है, तो इतना जो जोड़ था इतने जोड़ में मैंने वन को यूज किया और ये सारा सम इसके इक्वल आ गया, क्लियर। अब ये आंसर इसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो हम अब यहाँ एलसीएम नहीं लेंगे, ब्रैकेट नहीं खोलेंगे, वरना गड़बड़ हो जाएगी। हम अपनी इस फॉर्म पे जाएंगे तो ध्यान दें कि ये के प्लस वन फर्स्ट टर्म में है, के प्लस वन सेकेंड टर्म में है, तो दोनों में से मैं के प्लस वन को ले लेती हूँ कॉमन, क्लियर। के प्लस वन बाहर आ गया तो यहाँ बचा के बाय टू प्लस, ये तो पूरा ही बाहर चला गया तो बचा वन, क्लियर। 2 को उधर ले जाएंगे, एलसीएम लेंगे तो k प्लस वन और यहाँ 2 एलसीएम ले लिया, k 2 वन जा 2, ये आ गया k प्लस 2, तो ये सारा सम इसके इक्वल हो गया, क्लियर। और इसको मैं लिख सकती हूँ, बहुत ध्यान से देखना, फर्स्ट टर्म है k प्लस वन, सेकेंड टर्म है k प्लस वन प्लस वन। अगर यहाँ ना तोड़ो तो आप इसको यहीं पर कर लो, मेरी बात सुनो, इसको कर लो k प्लस वन इंटू के प्लस टू बाय टू, जो कि हमारा यहाँ पर आ चुका है n डिवाइडेड बाय टू। थोड़ा सा आप बात को समझने की कोशिश करें कि n तक का नेचुरल नंबर थे भाई, ठीक है, तो उनका जोड़ कैसे निकल रहा था, सबसे पहले n लेना था, फिर n से अगला नंबर लेना था, बटे दो लेना था, ठीक है। अब हम k प्लस वन तक का सम लेने, तो हमने k प्लस वन लिया, फिर k प्लस वन से एक ज़्यादा लिया और बाय टू लिया और हमारा सम आ गया, यानी कि जो हमारा रिजल्ट है वो k प्लस वन के लिए प्रूव हो गया, मीन्स ये सम इसके इक्वल आ गया। तो आप यहाँ से बल्कि डायरेक्ट कर लेना, मैं यही सजेस्ट करूँगी, आसान रहेगा बहुत बच्चों के लिए ये वाला रिजल्ट, कि आप डायरेक्ट अब इसको एलसीएम ले लो और ये बन जाएगा k प्लस वन इंटू के प्लस टू डिवाइडेड बाई टू, और ये हमारी आ जाती है ये वाली राइट हैंड साइड, यहां से हम लेकर चले थे लेफ्ट हैंड साइड। देखो प्रूव करना था, मैंने प्रूव किया है, मैंने लेफ्ट साइड ली है, इसका यूज किया है और फिर मैं राइट साइड पर आई हूं, तो इसका क्या मतलब है कि p ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन, तो जो हमारा रिजल्ट है वो k प्लस वन के लिए ट्रू हो गया है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है कि अगर पहला और ये दूसरा दोनों स्टेप्स यहाँ एप्लीकेबल हो जाते हैं तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हम कह सकते हैं कि पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी कि इस फॉर्मूले का यूज़ अब हम हर नेचुरल नंबर के लिए कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आपकी एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर वन, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू वन यानी नेचुरल नंबर्स, प्रूव दैट वन स्क्वेयर प्लस टू स्क्वेयर प्लस थ्री स्क्वेयर प्लस फोर स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स। जो लास्ट रिजल्ट अभी हमने प्रूव किया, मैंने वो क्या बताया था कि एक से एन तक के नेचुरल नंबर्स का जो सम है वो हम उस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, और ये फॉर्मूला हमें क्या इंडिकेट करता है कि एक से लेकर एन तक के नेचुरल नंबर्स के स्क्वेयर का सम, वन का स्क्वेयर, टू का स्क्वेयर, थ्री का स्क्वेयर, एन का स्क्वेयर, मान लो ये पांच नंबर हैं तो ये पांच, पांच से आगे पांच और एक छः, फाइव टू जा टेन प्लस वन इलेवन बाय सिक्स। इससे हम एक मिनट में, मान लो मैं आपको कह दूं हंड्रेड तक के स्क्वेयर का सम निकालो, यानी वन स्क्वेयर, टू स्क्वेयर, थ्री स्क्वेयर और हंड्रेड स्क्वेयर, तो इस फॉर्मूले से क्या निकलेगा, हंड्रेड, हंड्रेड प्लस वन हंड्रेड वन, और हंड्रेड को टू से मल्टीप्लाई करोगे, टू हंड्रेड में वन जोड़ोगे तो ये हो जाएगा टू हंड्रेड वन, एंड डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, अपना कितना आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टू थ्री जा सिक्स और टू फाइव जा टेन, और ये थ्री से कैंसिल हो जाएगा, टू और वन थ्री है ना, तो थ्री सिक्स जा एटीन, थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, और ये जो भी प्रोडक्ट आएगी वो हंड्रेड तक के स्क्वेयर का सम आएगी। तो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनका यूज तभी कर सकते हैं जब ये प्रूव हों,
ठीक है। और प्रूव हमने किसकी हेल्प से करना है, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो अब मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ से ऊपर से इरेज करते हुए यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर वन, और यहाँ हम लिख देते हैं लेट द गिवन स्टेटमेंट, ठीक है भाई, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पी एन, और यहाँ मैंने लिख दिया पी ऑफ एन। क्लियर है, पहला स्टेप, जो भी स्टेटमेंट है उसे पी एन मान लो। अब हम स्टेप नंबर एक ले लेते हैं। स्टेप नंबर एक, पुट एन इज इक्वल टू वन इन पी एन, ठीक है भाई, पी एन में दोनों साइड्स वन रखना है। यहाँ लेफ्ट साइड में रखते टाइम ये ध्यान रखना है कि एन इज इक्वल टू वन का मतलब ओनली फर्स्ट टर्म, ठीक है, वन का स्क्वेयर। तो लेफ्ट साइड तो हो गई बेटा जी वन का स्क्वेयर, और राइट साइड में हर जगह वन रख के देखो, पहला वन भाई वन प्लस वन, टू इंटू वन प्लस वन डिवाइडेड बाय सिक्स, वन का स्क्वेयर हो गया वन, ध्यान दें ये वन, वन प्लस वन टू, टू वन जा टू प्लस वन थ्री डिवाइडेड बाय सिक्स, टू थ्री जा सिक्स कैंसल्स, और हमारे पास क्या आ गया, वन इज इक्वल टू वन। यानी लेफ्ट साइड से जब हमने वन का स्क्वेयर किया तो वन आना ही था, और राइट साइड में जब हमने इस पूरे फॉर्मूले में वन रखा तो भी हमारा आंसर लेफ्ट के इक्वल आ गया। तो हम कह सकते हैं कि पी वन इज ट्रू, ठीक है, पी वन हमारा ट्रू हो गया। सेकेंड स्टेप, जिसे हम इंडक्टिव स्टेप भी बोल देते हैं, जिसकी वजह से हम आगे जाते हैं, हाइपोथेसिस भी बोला है मैंने कि हम इसे हाइपोथेसिस कह देते हैं। हाइपोथेसिस एक ऐसा रिजल्ट जिसे हम डायरेक्ट आगे किसी भी रिजल्ट को प्रूव करने में यूज कर सकते हैं, और इसे हम इंडक्टिव स्टेप भी बोल देते हैं कि ये स्टेप हमें अपने अगले रिजल्ट को प्रूव करने में मदद करेगा। तो हम मान लेते हैं कि सपोज पी के इज ट्रू, सपोज P ऑफ K इज ट्रू, थोड़ा सा ना ये पुट करना आपको आना चाहिए कि अब जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ K रख देना है, कि 1 का स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर, दोनों तरफ ध्यान हो आपका दोनों फिंगर्स पर मेरी पर, 4 स्क्वेयर, और प्लस में यहाँ मैंने रखा K स्क्वेयर, तो यहाँ भी मैंने रखा K, भाई ये पूरा रिजल्ट K में बदल गया, बस इतना, 2 ऑफ k प्लस 1 बाय 6, ये हम मानकर चल रहे हैं कि ये तो ऑटोमेटिकली ट्रू है, ये टाइल तो, इस नंबर की टाइल तो अपने आप ही गिर गई है, हमें गिराने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर, अब हम इसकी वजह से, क्योंकि ये ट्रू है, हम ये प्रूव करेंगे कि पी के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू। तो स्टेप नंबर थ्री हमारा क्या होगा कि नाउ वी विल प्रूव, नाउ We will prove that P of K plus 1 is also true. यहाँ मैं एक बात आपको बता दूं कि मैं जनरली क्या कराती हूँ कि मैं दोनों साइड्स के प्लस वन रख के पहले रिजल्ट निकाल लेती हूँ, और फिर मैं एम्फेसिस करती हूँ कि आप लेफ्ट साइड ले लें और उसको राइट के इक्वल दिखा दें, क्योंकि हमारा जो मेन लॉजिक है बेटा जी वो क्या है कि इसको के प्लस वन के लिए ट्रू दिखाना है। एक बार जस्ट इस बात को समझो, तो यहाँ के प्लस वन आएगा तो राइट साइड में भी हमारे आंसर में, देखो ये पहला एन है इसकी जगह के प्लस वन आना चाहिए, फिर पहले एन की जगह के प्लस वन और एक वन ऑलरेडी है ये आना चाहिए, और फिर ये आना चाहिए टू इंटू के प्लस वन प्लस वन। तो इसको आप सॉल्व करके भी लिख सकते हो, तो वो मैं अब आपको यहाँ बताने जा रही हूँ। ये देखें पी ऑफ के प्लस वन क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखें ध्यान से, P ऑफ K प्लस वन, तो लेफ्ट साइड तो बहुत आसान होती है, वन का स्क्वेयर, टू का स्क्वेयर, थ्री का स्क्वेयर, फोर का स्क्वेयर, और यहाँ आ गया K प्लस वन का स्क्वेयर। ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए K प्लस वन, फिर K प्लस वन प्लस वन, और फिर टू इंटू के प्लस वन प्लस वन, और सारा डिवाइडेड बाय 6, ये हमारा आंसर आना चाहिए। इस आंसर को मैं थोड़ा सॉल्व करके फिर आगे लेती हूँ। कई बच्चों को दिक्कत आती है कि इतना लंबा चौड़ा क्यों है, तो हम इसी को एक बार फिर लिख लेते हैं कि P ऑफ K प्लस वन, वन स्क्वेयर प्लस टू स्क्वेयर, ध्यान दें, और K प्लस वन स्क्वेयर किसके बराबर आना चाहिए, K प्लस वन, वन और वन कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, तो इसमें पहली टर्म आपकी आनी चाहिए के प्लस वन, दूसरी टर्म आनी चाहिए के प्लस टू, और तीसरी टर्म क्या आनी चाहिए, टू के प्लस टू
प्लस वन, यानी कि ये क्या बन गया, ये बन गया 2k + 3 और पूरे का पूरा डिवाइडेड बाय 6। ये हमने अब प्रूव करना है कि ये रिजल्ट इसके बराबर आना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर ले लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड, गॉट इट। तो लेफ्ट हैंड साइड जब हम लेते हैं तो 1² + 2² + 3² और लास्ट टर्म थी k + 1² लेकिन इसमें भाई हमने पी के का यूज़ करना है, तो फिर वही बात आ रही है के प्लस वन से जस्ट पहले के का स्क्वेयर भी तो आएगा भाई। ये जो डैश लग रहे हैं इसका मतलब सारे तो नंबर हैं इसमें, तो पी के तो इससे पहले इसका स्क्वेयर यहाँ आएगा, गॉट इट भाई। 4 के स्क्वेयर से पहले 3 का आ रहा है, 3 के स्क्वेयर से पहले 2 का आ रहा है, 2 के स्क्वेयर से पहले 1 का आ रहा है, तो के प्लस वन के स्क्वेयर से पहले क्या के का स्क्वेयर नहीं आएगा, आएगा ना। अब यहाँ तक की टर्म इतनी इतनी लास्ट को भूल जाया करो, देखो तो इतने टर्म्स का जोड़ तो हमें इस फॉर्मूले से मिल रहा है क्योंकि ये ट्रू है, हम कह के चल रहे हैं पहले ही। तो यहाँ हम लिख देते हैं यूजिंग वन, इतना सम, ध्यान दे मेरी बात पर, 1 से लेकर k तक का सम, तो ये आ गया क्या बन रहा है k + 1 और ये हो गया बेटा जी 2k + 1 / 6 और प्लस में वो वाली टर्म k + 1 का स्क्वेयर / 1। फिर कहती हूँ हमने खोलना नहीं है, एलसीएम नहीं लेना है, हमने पहले जो कॉमन है क्योंकि देखो सारा फोकस ना के प्लस वन पे रहना है, तो के प्लस वन को बाहर ले लो, यहाँ भी के प्लस वन बाहर ले लो, के प्लस वन हमने बाहर लिया इसमें से, तो यहाँ तो के बचा, साथ में क्या बचा 2k + 1 बचा बाय 6 बचा, और दो बार था, 1k + 1 बाहर चला गया तो एक ये आ गया। अब आप अंदर वाली टर्म को अब एलसीएम लो और अब ओपन करो, तो ये ध्यान देंगे 6 में साथ साथ एलसीएम ले रही हूँ, 6 से 6 कैंसिल, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ k को, तो k को जब 2k से करोगे तो 2k² k को 1 से करोगे प्लस k, 6 को k से करोगे 6k + 6 आ गया। यहाँ तक अंदर वाली टर्म को सॉल्व कर लो तो ये बना 2k² 6k + k 7k + 6 / 6, इसके फैक्टराइजेशन कर दो, ठीक है। फैक्टराइजेशन मैं सेपरेट करके आपको दिखा देती हूँ, 10वीं का काम है ये आपका। 2k² + 7k + 6 मिडल टर्म को तोड़ते हैं हम टू पार्ट्स में कि ऐड करो तो 7 आ जाए, 6 × 2 = 12 भाई, जोड़ो तो 7 आए, गुणा करो तो 12 आए, तो 4 × 3 = 12, तो ये बन गया 2k² + 4k + 3k + 6। इन दोनों में से 2k कॉमन ले लिया तो k + 2 और इसमें से 3 कॉमन ले लिया तो k + 2, तो इसके टुकड़े बन गए k + 2 कॉमन ले लिया 2k + 3, 10th का काम है ये, तो इसके जो दो फैक्टर बने उन्हें अब हम यहाँ लिख देंगे k + 1, इसके जो दो फैक्टर बने वो ये बन रहे हैं k + 2 × 2k + 3 / 6, और ये रिजल्ट वही आ गया जो हम चाह रहे थे कि आना चाहिए। वैसे तो क्या तरीका है इसका कि इन सब को k प्लस वन में तोड़ो, कैसे भाई, फर्स्ट टर्म हमारी हो गई k + 1, सेकेंड टर्म में से k + 1 अलग कर दो तो k + 1 + 1, और इसमें से भी 2 अलग और 1 अलग, लेकिन ये टुकड़े करने बहुत बच्चों के लिए ना मुश्किल हो जाते हैं, इस तरह से 2 × k + 1 + 1। तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि pk + 1 की दोनों साइड्स पहले ही बना लो, फिर आप लेफ्ट साइड लेकर चलो और वो राइट साइड की यहाँ इक्वल आ गई, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि विच इम्प्लाइज pk + 1 इज ऑल्सो ट्रू, और फिर आप लास्ट रिजल्ट लिखेंगे कि हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो ये आपके दो एग्जांपल्स मैंने आज कराए हैं, इनके बेस पर आप कुछ क्वेश्चंस अपनी एक्सरसाइज की ट्राई करो, कुछ एग्जांपल्स देखो, बाकी के रिजल्ट्स मैं आपको नेक्स्ट जो एग्जांपल्स है नेक्स्ट लेक्चर में बताती हूँ। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, उसमें अपने डाउट शेयर करें, एंड शेयर माई लेक्चर्स विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स। थैंक यू।